मैं आज आपको चाइना ग्रास, जिससे आप लोग पुडिंग बनाते हैं, उससे मैं आपको डबल चिन को कम करने के लिए बता रही हूँ कि आप उसका इस्तेमाल करके वो मास्क बना के कैसे अपने डबल चिन को आप सही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये इस शक्ल में आपको मार्केट में आराम से मिल जाती है। ये है चाइना ग्रास। ये खाने की चीज़ है? हाँ, ये खाने की चीज़ है। हाँ, और इधर इसकी खास बात, ये तोला के हिसाब से मिलता है। ये पाव, आधा पाव छटांग से नहीं मिलता, ये तोला के हिसाब से महंगा होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन कम क्वांटिटी में भी इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा अच्छा, मैं बताऊँ, ये तो चाइना ग्रास यहाँ रखा हुआ है ना, इसके साशे मिल जाते हैं 20-20 रुपए में। हाँ, आप वो एक साशे लेके आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, मैंने इतना सा लिया है, एक कप पानी को मैंने खुला दिया है, अब इसमें डाल दूंगी मैं और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। आप जो भी मास्क बनाते हैं ना, कोई भी मास्क बनाते हैं, आप चाइना ग्रास में बनाओगे उसका रिज़ल्ट डबल हो जाएगा। और आपने मास्क का पूछा था, तो मास्क का काम क्या है, मास्क क्या करता है? मास्क आपकी इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करता है, आपकी इम्प्योरिटीज यानी कि आपके डस्ट पार्टिकल्स है जो भी, उसको पुल आउट कर देता है। और मास्क से ही आप अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं। जो आपने सुपरफिशियल लेयर से इंटरनल लेयर में कोई चीज़ ले जाना है तो भी आप उसको ले जा सकते हैं। अब इसको पानी में आप कितनी देर पकाएंगे? इसको जो है ना, ये इतनी जल्दी नहीं वो होता है, इसको टाइम लगता है। थोड़ा मैं घूम फिर के आऊँ? हाँ बिल्कुल, आप घूम फिर के आ जाए। हाँ बिल्कुल, आप घूम फिर कर आ जाए, ताकि फिर मैं जब तब तक बन जाए ना, तो फिर मैं आपको बता दूँ। ठीक है ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट मास्क की तरफ। मास्क की बात से कंप्लीट तैयार हो गया। अब ये डबल चिन मारो, देख लो इतना अच्छा, आसान काम है। अच्छा देखिए, मैंने इसमें चाइना ग्रास को गरम करके इसमें डाल दिया, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल वो नहीं करना। दिखाई दे रहा कंसिस्टेंसी? बस अभी इसमें है। अच्छा। बहुत देर लगता है, इसको भिगोना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है। तो ये क्या गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा? बिल्कुल, अभी कर लेती हूँ, वरना इंस्टेंट मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। इसमें मैं एक चम्मच डाल रही हूँ मिल्क, ड्राई मिल्क, और इसमें मैं खीरा मिक्स कर दूंगी, इसका जो जूस होता है। इसको थोड़ा सा बेटा छुरी देना, बेटा बना लिया आपको? मैं अरे को जल्दी में बेटा बना लिया। नहीं, उम्मे उम्मे मैं अपने मियां को बेटा मत कहेगा, बस जल्दी में बेटा का तकिया चला। मैं इनका बड़ा प्यारा लफ्ज है मुन्ना, मुन्ना बस मुन्ना कह दे। आदमियों को बड़ा शौक है आजकल कि हम छोटे उम्र की नजर है, मुन्ना वो हो। अच्छा आपने देखे, खीरा डाल दिया, इसको आप अच्छी तरीके से ब्लेंड करें। अच्छा आपने इसके अंदर खाली वो नहीं है, आपने खीरे को भी चाइना ग्रास पानी खुश्क उसका एक पूरा वो बन गया पकाने के बाद, वो एक थोड़ा सा अरारोट की तरह जो जेल जेल जी, और उसमें आप खीरा ब्लेंड कर रही जी। इससे आप डबल चिन को टाइटन करने का, स्किन लटक जाती है जिनकी, मोटे से पतले हुए हैं। अच्छा अब इसमें एक चीज है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसमें लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डालें। अच्छा सही, अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो आप इसमें मुल्तानी मिट्टी डालें। ओके, और फिर आप ये लगा कर ना, इसको लगा कर छोड़ दें और लेट जाए लगा के। हाँ है ना, ताकि नेक यूं जाए, ताकि वो एक टाइटन होगी ना जी। और कितनी देर लगा के छोड़े? और आप जी, आप जब ये सूख जाए ना, बिल्कुल खिंचाव महसूस हो, तो उसको हल्का हल्का से झाड़ कर फिर आप ठंडे पानी का स्प्रे करें, अच्छी तरीके से साफ करें। अच्छा मुझे एक बात बताएं जी, जैसे फॉर एग्जांपल ना, मुझे ऐसा कभी लगता है कि मैं अपना वजन लूज करती हूँ, तो मुझे ना मेरी स्किन यहाँ से सैग, तो क्या यही चीज मैं यहाँ भी लगा सकती हूँ? इतना यहाँ तक लगाया ऐसे करके ना, पूरा मतलब कि जो 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 जो, जो सैगी हिस्सा लगता है ये बिल्कुल। अच्छा ये, कुछ लोगों के हाथ लटक जाते हैं ना, तो उस पे लगा के फिर आप प्लास्टिक बांधे, वो जो क्लिंग फिल्म होती है। हाँ बिल्कुल, बहुत उससे फर्क। पेट पे भी लगा ले, पेट पे भी ढील हो जाते हैं, हमारे बच्चे पैदा किया कोई मजाक बात है क्या? हाँ तो यही चीज अलग अलग हिस्सों पे आप टाइटनिंग के लिए बिल्कुल आप मास्क उसको कवर। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, और खास कर देखिए सेलुलाइट पे भी लगा सकते हैं, जैसे लूज बॉडी है, और जहाँ पे आपके फैट्स है वहाँ भी लगा सकते हैं। अच्छा जहाँ पे जैसे डबल चिन किसी की है, तो उसका ये है कि पहले लगाने से पहले, ताकि ये जज्ब हो और आपके फैट सेल्स ब्रेक हो, तो उसके लिए क्या करना है? हाँ ये वाला लगाने के बाद, ये लगाने से पहले, मगर लगाने से पहले ऐसे ऐसे करके इसको पूरा रेड अच्छी तरह कर दें, उसके बाद लगाएंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।